दिगंबर धर्म मात्र जैनियों का नहीं है, दिगंबर धर्म एक कोई संप्रदाय नहीं है, दिगंबर कोई मत नहीं है, दिगंबर एक जीता जागरा जीवंत दर्शन है। और यह दिगंबर धर्म जो है एक ऐसी कड़ी है, सनातन धर्म में भी दिगंबरत्व की महत्वता है। जब गंधारी ने अमोघ शक्ति देने का भाव किया तो अपने पुत्र को, जो पुत्र बाप ही नहीं दादा भी बन चुका था, उस पुत्र को माँ ने नग्न क्यों बुलाया? जिस माँ की ज्योति शरीर को वज्र की बना सकती है, क्या एक कपड़े को नहीं भेद सकती थी? और कपड़े का भेदन करने में क्या दिक्कत थी, नग्न क्यों बुलाया? इसका अर्थ है कि माँ की अमोघ शक्ति एक धागा भी ऊपर है तो वह उसकी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसी प्रकार ये प्रकृति माँ कहती है, यदि तुझे अमर होना है तो एक धागा भी शरीर पर नहीं रखना और जिंदगी व्यतीत करके मरण कर तो तू अमरता को प्राप्त हो जाएगा। ये स्पष्ट तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां नग्नत्व की महिमा बताई गई, नग्नत्व को वहां स्वीकार किया गया है अमोघ शक्ति के लिए। अब जिस संप्रदाय की तुम बात करते हो वहां भी अंत में यही होता है, वस्त्र पहनो लेकिन गांठ लगा के मत पहनो। गांठ लगाने का अर्थ क्या है, परिग्रह क्या है, इसको पहनो मजबूरी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसके लिए विपरीत कर दे। ये जो बातें होती हैं ये संप्रदाय विद्रोह के कारण होती है, द्वेष के कारण होती है। तत्व दृष्टि से, शांत दृष्टि से सोचें तो अपने आप ही यह दिगंबर मुद्रा ही उनको संदेशा दे देगी कि श्रेष्ठतम यदि कोई मुद्रा है तो दिगंबर मुद्रा है। ये पशु मुद्रा नहीं है, ये निर्विकार मुद्रा है, निर्विकारी मुद्रा है। नग्न होना अलग चीज है और दिगंबर होना अलग चीज है। जब दिगंबर की पूरी परिभाषा पढ़ोगे तो आप यही कहोगे कि दिगंबर वो है जो बालक के समान, जैसे बालक दिगंबर होता है उस पर कोई प्रकृति विकल्प नहीं करता, ऐसे ही मुनि महाराज भी बालकवत होते हैं, उन पर विकल्प करना ही नहीं चाहिए। और ये कुछ अराजक तत्व होते हैं, वो जो महिला जो भी घटना घटी है उसकी गलती नहीं होगी, कुछ अराजक तत्वों ने इस प्रकार की उपद्रव करने के लिए, कभी राजनीतिक उपद्रव कभी सामाजिक उपद्रव करने के लिए लोग इस प्रकार के हथकंडे अपना लेते हैं। कैसे सरकार को बदनाम करें, देखो तुम्हारी सरकार में तुम्हारे जैन धर्म पर जैनियों के लिए ये संकट आ रहा है, तो कई बार राजनीतिक लोग ऐसा अवसर उठा लेते हैं। कई लोग समाज में विद्रोह होने के कारण ऐसा कर लेते हैं, तो ये किसी न किसी अराजक तत्व की, विद्रोहियों की घटना है। सदा से दिगंबर मुनि रहे हैं, सदा से भारत में सनातन हिंदू धर्म भी रहा है, सनातन से हमेशा से मुसलमान और ईसाई भी रहे हैं, और दिगंबर धर्म भी उनके बीच में रहा है, कोई आज से नहीं है, सदा से होता आया है। कई दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, किसी ने बुरी नीयत से, कोई षड्यंत्रकारियों ने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया है, इसको बवाल रूप न दिया जाए, इसको किसी प्रकार से वो न दिया जाए, इसकी उस तह तक जाया जाए कि षड्यंत्र किसका था। कई बार लोग हल्ला करने के लिए किसी किराए को लेकर शराब पिला के कहते जाओ सभा में, वहाँ जाके गालियाँ बको। अब वो व्यक्ति कुछ मालूम नहीं, उसको शराब पिला दी, वो आगे हंगामा खड़ा कर देगा। तो आज ये भी चलता है, हम समझें कि इसका रूप क्या है। किसी अच्छे व्यक्ति ने, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने, किसी योजनाबद्ध तरीके से, किसी मीटिंग में पास करके कोई कदम उठाया हो, पर ऐसे कदमों पर अपन भी मीटिंग करके उसका खंडन करने की हिम्मत रखते हैं। किसी एकाद व्यक्ति ने उठाया हो तो ये व्यक्तिगत और एक षड्यंत्रकारी है उनके, वो तो चाहते ही ये थे कि अशांति हो जाए, वो तो चाहते ही ये थे ऐसे लोग की अशांति हो जाए, शायद अशांत करने के लिए उन्होंने किया हो और हम अशांत हो जाएं तो वो सफल हो गए और हम फेल हो गए। इसलिए उसको पूरी नीति, पूरी स्थिति मुझे ज्ञान में नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है। अभी आपने कही, मैं तो यही कहूँगा
कि इसको गंभीरता से लेकर के प्रसंग पे लिया जाए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो कौन थे, कैसे थे, इस पर विचार किया जाना चाहिए।